मैं हूँ प्रभाकर और आप देख रहे हो यूजफुल ट्री ट्रैक। तो चलिए आज का जो टॉपिक है विंडोज 10 में माउस सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जो मेन मेन सेटिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे। माउस सेटिंग जो होता है, जो कभी प्रॉब्लम भी आ जाए तो आप खुद से ठीक कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको कंट्रोल पैनल। जैसा कि आप कंट्रोल पैनल यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए सीधे आपको यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और लार्ज आइकन के ऊपर जाना है। लार्ज आइकन के ऊपर जैसे ही आप जाओगे यहाँ आपको दिख जाएगा माउस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं बटन यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर, यानी कि ये लेफ्ट क्लिक को प्राइमरी क्लिक माना जाता है और राइट को सेकेंडरी। तो यहाँ से आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हो, जैसा आप राइट को भी प्राइमरी में रख सकते हो और चाहे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे भी रख सकते हो। तो चलिए मैं डिफ़ॉल्ट पे, यानी कि जिससे आप अभी लेफ्ट बटन क्लिक करके काम कर रहे हो तो अगर इसमें टिक कर दीजिएगा स्विच प्राइमरी तो ये हो जाएगा इधर, यानी कि आपका प्राइमरी अब राइट क्लिक हो जाएगा। तो चलिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या है, डबल क्लिक का जो स्पीड है, डबल क्लिक आप करते हो तो उसके लिए आप लैपटॉप वगैरह में थोड़ा टाइमिंग कम मिलता है, माउस में तो झटपट हो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा चलिए डबल क्लिक का टाइम थोड़ा देते हैं, धीरे करके रखते हैं। आप स्लो फास्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद जो मेन मेन सेटिंग्स है उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंटर के ऊपर आ जाते हैं। पॉइंटर का जो ये आप देख रहे हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं एरो को, जैसा कि आपको एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन रखना है तो ये भी रख सकते हो आप। उसके अलावे ब्लैक सिस्टम स्क्रीन रख सकते हो, सॉरी विंडोज़ ब्लैक सिस्टम है। उसके बाद विंडोज़ डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। इसके अलावे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ विंडोज़ डिफ़ॉल्ट स्कीम सिस्टम स्कीम के ऊपर, तो सेव एज पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग आकर इसका नाम भी दे सकते हैं। और उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं जैसे ये हो गया, आप चेंज कर सकते हैं इसमें भी बीजी आप चाहे तो रख सकते हैं, वर्किंग इन बैकग्राउंड, नॉर्मल सेलेक्ट। उसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन इसमें भी आपको मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिसाइज अनअवेलेबल, तो जैसा आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहे रख सकते हैं। चलिए मैं नॉर्मल पे रखता हूँ नॉर्मल के ऊपर। उसके अलावा आपको पॉइंटर ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो पॉइंटर का जो है ये स्पीड आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, देख सकते हैं पहले से ज़्यादा स्पीड में ये काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर द डिफ़ॉल्ट बटन एंड डायलॉग बॉक्स, तो ऑटोमेटिकली ये स्नैप होता रहता है यहाँ पे, तो चलिए ये नहीं करना। और जैसा कि आप डिस्प्ले पॉइंटर ट्रैक्स, यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हो ये काम कर रहा है, इसे आप अपना ये जैसा कि देख सकते हो ये जिधर जिधर कीजिएगा वो शो करेगा। ओके कर देंगे, देखिए अभी देख सकते हैं जैसा कि इसमें थोड़ा सा मेरा टच पैड का प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें। तो पॉइंटर स्पीड यहाँ पे ये नहीं करना है, चाहे तो डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हैं। हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, ये जो हाइड करके है तो इस सबसे कोई खास लेना देना होता नहीं है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं रोल वर्टिकल स्क्रॉलिंग, अगर मान लीजिए कोई पेज है वर्टिकली तो एक बार आप राउंड करिएगा इसको माउस का जो व्हील होता है तो तीन पेज आगे चले जाएंगे, यानी कि तीन पेज आपको आगे लेकर चला जाएगा। वैसे ही हॉरिजॉन्टल पेज भी अगर होगा तो उसमें भी तीन पेज आगे लेकर चला जाएगा स्क्रॉल करने पर एक बार। हार्डवेयर वगैरह में तो कोई छेड़छाड़ करना नहीं, आप प्रॉपर्टी अपना चेक कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद जो है टच स्टिकी, तो इसमें आपको रीस्टोर डिफ़ॉल्ट का भी, अगर मान लीजिए कोई गलत सेटिंग हो गया तो रीस्टोर डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो आप। और इसका जो सेंसिव
एक्टिविटी होता है उसको आप फास्ट या फिर लाइट टच या हैवी टच दे सकते हो, सेलेक्ट का भी दे सकते हो, स्लो फास्ट दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए टच पैड का भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत सेटिंग्स करके चेंज कर सकते हैं, जैसे डिजेबल इंटरनल पॉइंटिंग डिवाइस भी।